सी समाज पार्टी की एक प्रेस वार्ता जिमखाना मैदान स्थित अपार चैम्बर पर हुई, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कल 28 अक्टूबर 2020 को प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का आगमन जनपद मेरठ में होगा, जिसमें उनका प्रोग्राम का विवरण बताया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी में मौजूद पदाधिकारियों पर लगातार जिला प्रशासन द्वारा गलत तरीके से मुकदमे लगाए जाने का आरोप लगाया। देखिए, आज हमने जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जनपद मेरठ की पूरी कमेटी ने जो ये प्रेस विज्ञप्ति आयोजित की है, जो आप सभी मीडिया बंधु को बुलाया है, उसका हमारा जो तात्पर्य वो ये है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जनपद में आ रहे हैं 2022 की चुनावी समीक्षा करने, संगठन की समीक्षा करने के लिए। इस विषय में सभी आप लोग मीडिया बंधुओं को बुलाया गया। देखिए, चर्चा है कि एक तो जो हमने आवेदन मांगे हैं सभी विधानसभाओं में, उस पर चर्चा होगी, संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा होगी, और चाचा से गठबंधन के बारे में पूछा जाएगा कि भाई किससे कर रहे हैं, वो डिसीजन चाचा जी लेंगे। हम लोग मजबूती से उनके सिपाही हैं, और यहाँ पे प्रगतिशील समाजवादी का झंडा जितने हमारे फ्रंटल विंग हैं और जो जिला कमेटी है वो मजबूती से उठाए हुए हैं। मेरठ के 7 विधानसभा आपके प्रत्याशी पूरी तरह तैयार हैं, उनके कुछ आए हैं अभी? देखिए, हमारे पास जनपद की 7 विधानसभाओं में प्रत्याशी हैं। हम ये तो नहीं कहते कि जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, लेकिन हमारे पास मजबूत प्रत्याशी 7 विधानसभाओं में हैं। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो हमने लखनऊ में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया था, जो पिछले 2-3 दफा से जब भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई भी ज्ञापन या किसी भी व्यापारी की कोई भी बात उठाती है तो प्रशासन जो दोगला रवैया अपनाता है, हमारे वरिष्ठ साथी जीतू नागपाल जी, शंकी वर्मा जी, जीशान अहमद जी और अभिषेक सलीम जी के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं, पहले 2 बार वापिस हुए, अब फर्जी मुकदमा आत्मदाह को उकसाने को लेकर इनके खिलाफ लगा दिया है, उसमें भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया है और उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी कि ऐसा दोगला रवैया प्रशासन क्यों अपना रहा है। और सभी विधानसभाओं में हमारे पास मजबूत प्रत्याशी हैं, और हमारे जो शहर के उठते हुए उद्यमी हैं, AGR बिल्डर डेवलपर, कल इनकी ज्वाइनिंग है रोहित पांडे जी की।